Hello everyone, you are most welcome to yet another video. I'm indeed very thankful for your love and support that you have showed me in the last video. And because after getting motivated by all those support and love, today I have yet another video, and this is about ways of walking. There are tons of words that you find very interesting and engaging, and I would love to see you in the video. So please stay tuned and stick with the video. Let's get into it. Ways of walking की इस सीरीज में आज का हमारा पहला वर्ड है walk. Walk, जमीन पर चलने के लिए हम walk बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. To move gently by using your legs. यानी चलने या टहलने को ही हम walk बोलते हैं. तो टहलना तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग सुबह को शाम को आप देखते होंगे टहलते हैं घूमते हैं, इसी को हम वॉक बोलेंगे. एग्जाम्पल, आई वुड वॉक विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग. आई वुड वॉक विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग. जिस तरह हम टहलने या चलने यानी जमीन पर चलने को हम वॉक बोलते हैं, उसी तरह से पानी में चलने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो कि है वेड. वेड यानी पानी में चलने के लिए हम वेड वर्ड का यूज करते हैं. डेफिनेशन, टू वॉक थ्रू वाटर. जैसा कि मैंने बताया, पानी में होकर चलने के लिए हम वेड यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई रियली लव टू वेड थ्रू द शैलो वाटर. आई रियली लव टू वेड थ्रू शैलो वाटर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शी वेडेड अक्रॉस द स्ट्रीम. She waded across the stream. यानी उसने उस stream को यानी उस झरने को पैदल पार किया, यानी पानी में घुसकर चलकर पार किया उसने उसको. I hope clear हो चुका होगा. धीरे धीरे दौड़ने या थोड़ा बहुत exercise के लिए दौड़ने के लिए हम एक word use करते हैं, that is jog. Jog. Definition, to run slowly. Especially for exercise, to run slowly, especially for exercise, यानी हल्का फुल्का दौड़ना. Definition के बाद में हम लेते हैं example. She usually jogs around this area. She usually jogs around this area. हमारा next word है run. Run, यानी किसी भी प्रकार के दौड़ने को हम run बोल सकते हैं. ये एक neutral word है. Definition, moving your leg faster. मतलब वही है दौड़ना. एग्जाम्पल, आई हैड टू रन टू कैच द बस. आई हैड टू रन टू कैच द बस, यानी बस को पकड़ने के लिए मेरे को दौड़ना पड़ा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंट. स्प्रिंट, रन एक न्यूट्रल वर्ड होता है जिसका मतलब दौड़ना होता है. इसका मतलब लंबा छोटा कैसा भी दौड़ो, लेकिन स्प्रिंट एक ऐसा वर्ड है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए यूज किया जाता है. पूरी ताकत से आप शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करते हो तो उसी को स्प्रिंट बोलते हैं, स्पेसिफिकली इन कॉम्पिटिशंस, जैसे 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया. तो ये यहाँ पर स्प्रिंट बोलेंगे इस दौड़ने को, और वो जो दौड़ने वाले होते हैं उन्हें स्प्रिंटर बोला जाता है. डेफिनेशन, टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन. टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन. एग्जाम्पल, He has sprinted 100 meter race. He has sprinted 100 meter race. यानी उसने अभी अभी एक 100 meter की रेस मारी है, 100 meter की दौड़ मारी है. तो हम यहाँ पर sprint word use करेंगे. हमारा अगला word है dash. Dash, किसी भी प्रकार के डर, भय या किसी भी कारणवश आपको अचानक बड़ी तेजी के साथ भागना पड़ जाता है, तो इस condition में आप dash word use कर सकते हैं. Definition, to go or run suddenly and quickly. To go or run suddenly and quickly. अचानक तेजी से भाग छूटना या दौड़ना या कहीं अचानक से तेजी से जाना. For example, मैं एक उदाहरण देता हूँ. एक बार हम लोग चहलकदमी कर रहे थे, यानी वॉक कर रहे थे रोड पे, तो मैंने देखा कि एक बैल बड़ी तेजी से हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो हमें जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा और बड़ी तेजी के साथ भागना पड़ा. तो इस तरह से भागने के लिए हम डैश वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. आई होप आपके लाइफ में भी शायद कभी हुआ होगा, तो आगे हो तो आप डैश वर्ड यूज कर सकते हो.
Example, they had to dash from this place. They had to dash from this place. यानी उन्हें उस स्थान को छोड़कर भागना पड़ा. Our next word is skip. Skip, यानी मस्ती में दौड़ने को हम skip बोलते हैं. मस्ती में, excitement में होते हैं हम, तो उसको skip बोलेंगे. Definition, to move along quickly and lightly with excitement. Example, they are skipping. They are skipping. These girls are skipping in the fields. These girls are skipping in the fields. मतलब यही है कि वो मौज मस्ती में आनंद लेते हुए झूम रही हैं, खेल रही हैं, उछल कूद कर रही हैं. Skip word एक और तरह से यूज होता है. जब आप रस्सी कूदते हो तो उसको भी स्किप ही बोला जाता है. डेफिनेशन होती है टू जंप ओवर अ रोप स्पेशली वाइल प्लेइंग. टू जंप ओवर अ रोप स्पेशली वाइल प्लेइंग, यानी रस्सी कूदने के गेम को भी स्किप बोला जाता है. जिस तरह से मस्ती में उछल कूद करने, दौड़ने के लिए हमने स्किप वर्ड यूज किया था, उसी तरह से एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज स्कैम्पर. स्कैम्पर यानी ये जो वर्ड है ये छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज होता है. जब छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ते भागते खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, स्कैम्पर. डेफिनेशन, टू रन प्लेफुली विद स्मॉल स्टेप्स, स्पेशली अ चाइल्ड और स्मॉल एनिमल. टू रन प्लेफुली विद स्मॉल स्टेप्स स्पेशली अ चाइल्ड और स्मॉल एनिमल. जब कोई बच्चा या फिर कोई छोटा जानवर इस तरह से प्लेफुल यानी खेलने के अंदाज में वो उछल कूद करता है, तो उसको हम स्कैम्पर बोलते हैं. दैट चाइल्ड इज स्कैम्परिंग. दैट चाइल्ड इज स्कैम्परिंग, यानी वो बच्चा मस्ती में उछल कूद रहा है, यानी दौड़ रहा है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है शफल. शफल, इसके दो मतलब होते हैं. एक तो होता है पैरों को घसीटते हुए चलना, दूसरा होता है पैरों को आजू बाजू में बदलते रहना. यानी ये डांसिंग में भी होता है, ये कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो तब भी होता है कि आजू बाजू में पैरों को बदलता रहता है. तो इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं, टू वॉक विद स्लाइडिंग योर फीट अलोंग इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग देम ऑफ द ग्राउंड, यानी वही है घसीटते हुए चलना. एग्जाम्पल, शी इज सफलिंग और ड्रैगिंग हर फीट, यानी ड्रैग वर्ड भी यूज कर सकते हो आप घसीटने के लिए. शी इज सफलिंग और ड्रैगिंग हर फीट, यानी वो अपने पैरों को घसीटते हुए चल रही है. दूसरा मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, टू मूव योर फीट अराउंड, यानी अपने पैरों को इधर उधर आसपास में बदलते रहना. टू मूव योर फीट अराउंड, वीडियो देख रहे हैं इसमें इस तरह के हम मूवमेंट को शफल करना बोलते हैं. Example, they are shuffling their feet. They are shuffling their feet. यानी वो अपने पैरों को इधर उधर बदल रहे हैं, यानी इस movement को हम shuffle करना बोलते हैं. हमारा next word है climb. Climb, definition, to move up towards top of something. यानी किसी चीज पर चढ़ना, जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, जैसे कि mountains पे चढ़ना, पर्वत आरोही जो होते हैं पर्वतों पे चढ़ते हैं. तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन उतरना क्या होता है? उतरने के लिए कोई स्पेसिफिक अलग वर्ड यूज नहीं करना है आपको. आप क्लाइंब के साथ में डाउन और लगाएंगे तो आपकी पूरी बात बन जाएगी, क्लाइंब डाउन, उसका मतलब हो जाएगा उतरना. एग्जाम्पल, शी इज क्लाइंबिंग ऑन दिस ट्री. शी इज क्लाइंबिंग ऑन दिस ट्री, मतलब वो चढ़ रही है इस पेड़ पे. नेक्स्ट, ही इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री. ही इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, यानी वो पेड़ से उतर रहा है. सो आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको. हमारा नेक्स्ट वर्ड है किरोल. किरोल, डेफिनेशन, टू मूव स्लोली बाय ड्रैगिंग योर बॉडी विद द ग्राउंड. टू मूव स्लोली बाय ड्रैगिंग योर बॉडी विद द ग्राउंड, यानी घसीटते हुए चलना अपने आप को. कई बार होता है जब वॉर वगैरह होती है तो जो सोल्जर्स होते हैं वो खड़े होकर नहीं चलते हैं, मतलब चलते हैं लेकिन जनरली यदि गोलीबारी होती है तो वो ड्रैग करते हुए जाते हैं अपने आप को, यानी क्रॉल करते हुए जाते हैं ताकि कोई गोली वगैरह आए उड़ती हुई तो उनके ना लगे. हाथों और घुटनों पर चलने के लिए भी हम क्रॉल यूज करते हैं, जैसे बेबी वगैरह चलते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस बेबी इज क्रॉलिंग. दिस बेबी इज क्रॉलिंग. नेक्स्ट, वी क्रॉल्ड थ्रू दैट टनल.
वी क्रॉल्ड थ्रू दैट टनल, यानी वो जो टनल है हमने यानी लेट कर घसीट कर खुद को बॉडी के बल चलते हुए हमने उसको पार किया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जंप। जंप इसके बारे में तो आप जानते होंगे, किसी भी तरीके के कूदने को हम जंप बोल सकते हैं, ये एक न्यूट्रल वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लेंगे। टू मूव क्विकली इन टू द एयर बाय पुशिंग योर सेल्फ अप विद योर लेग्स एंड फीट। To move quickly into the air by pushing yourself up with your legs and feet. जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मतलब कूदना होता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। He jumped to put the ball into the goal. He jumped to put the ball into the goal. यानी वो कूदा बॉल को गोल में डालने के लिए। Next example is he jumped over the flowing water. He jumped over the flowing water. यानी वो बहते हुए पानी के ऊपर से कूदा। इसके ही समानार्थक एक और वर्ड होता है, दैट इज लीप। लीप लीप और जंप एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन जंप एक नॉर्मल में यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन लीप की पहले डेफिनेशन देखते हैं। टू जंप हाई एंड लॉन्ग हुए, टू जंप हाई एंड लॉन्ग हुए, यानी ऊंची और लंबी छलांग लगाने के लिए स्पेसिफिकली हम लीप यूज करते हैं। Example, he leaped into the water. He leaped into the water. यानी उसमें उसने पानी में छलांग लगा दी। उसने पानी में छलांग लगा, क्योंकि देखो ये काफी ऊंचाई से कूदा है, तो यहाँ पर हम इसके लिए leap word use करेंगे। Next, he leaped into the air. He leaped into the air. यानी बहुत ऊंची छलांग लगाई है, तो यहाँ पर भी हम leap word का use करेंगे। हमारा next word है hop. Hop. डेफिनेशन देखते हैं। टू जंप ऑन वन लेग, जब हम किसी इंसान के लिए यूज करते हैं तो एक टांग पर कूदने के लिए हम हॉप वर्ड का यूज करेंगे। यदि किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं तो उनके सारे टांगों पर कूदने के लिए हम हॉप वर्ड यूज करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, दे आर हॉपिंग वन बाय वन। दे आर हॉपिंग वन बाय वन, आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि किसी इंसान की बात है, यदि एक टांग पर कूदता है तो उसको हम हॉप बोलते हैं।